हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एनर्जी मैसेज पर बात करनी थी। ठीक है, डाउनलोडेड मैसेज है, ज़रूरी था मेरे लिए बात करना क्योंकि दो दिन से एक सेम डाउनलोड्स मिल रहे हैं मुझे और कल टाइम नहीं मिल पाया जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, अभी थोड़ा असाइनमेंट्स वगैरह का काम चल रहा है। तो अभी मैं वो आपको एनर्जी मैसेज देने जा रही हूँ। ठीक है, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी है। ठीक है, आप लोगों से वो एनर्जी मैसेज में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया हुआ है कि ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग इजी नहीं होती। ठीक है, वो जब अवेकनिंग में आते हैं तो उनकी जो लाइफ, देखिए ट्विन्स कौन होते हैं स्टार्टिंग से मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से। आप सभी जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस मुझे सुन रही हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपकी जो ट्विन एनर्जी है उसका बर्थ होता है। ठीक है, देन आपका बर्थ होता है, वो कर्मा पार्ट है, उसका बर्थ पहले हुआ। वो कर्मा क्रिएट भी करते हैं, कार्मिक बैगेज भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप दोनों जो कार्मिक बैगेज हैं अपने पास्ट लाइफ के, वो आप शेयर करते हैं। ठीक है, मीन एक जो रेगुलर सोल होती है उसका कार्मिक अकाउंट, धार्मिक अकाउंट एक ही होता है। ठीक है, मेन वो एक ही शरीर से ये दोनों चीज़ें बैलेंस करता है, दोनों चीज़ों को कंप्लीट करता है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करता है। जबकि जो ट्विन्स एनर्जी होती है, शिव शक्ति एनर्जी होती है, उसमें होता है जो शिवा एनर्जी होती है वो कार्मिक अकाउंट्स को कंप्लीट कर रही होती है, कर्मा पार्ट होती है। अगर अवेकनिंग के बाद की मैं बात कर रही हूँ तो वो होती है कर्मा पार्ट, और जो शक्ति एनर्जी होती है वो होती है धर्मा पार्ट, मतलब वो धार्मिक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करते हैं, अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करते हैं, सोल मिशन पे आते हैं। वहीं जो आपके कर्मा पार्ट होते हैं वो सर्विस देते हैं। ठीक है, मीन किस तरीके की सर्विस होती है, उनकी सोल सर्विस होती है। सोल सर्विस में क्या हो सकता है, या तो कहीं किसी ऐसी जॉब से जुड़े हुए होते हैं, उनकी जो जॉब होती है वो इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, कुछ इस तरीके की जिसमें अदर सोल्स की हेल्प हो रही होती है। ठीक है, किसी भी तरीके से हो रही हो वो ये चीज़ होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ चल रही होती है एक तरीके से। ठीक है, नंबर्स से देखा जाए, डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए, मंथ से देखा जाए, ईयर से देखा जाए, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होता है आप दोनों की ट्विन एनर्जी का। अगर आप अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही होती है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है उनका। ठीक है, नंबर्स का, आपके डेट ऑफ बर्थ का, उनकी डेट ऑफ बर्थ का, ये चीज़ होती है। साथ ही एक चीज़ और होती है, नंबर्स से जुड़े होते हैं आप लोग, मंथ्स आपके कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर से जितनी भी पास्ट लाइफ बर्थ्स होती हैं वो तो आपने शेयर करी ही होती हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ की जितने भी सिचुएशंस होती हैं या जितने भी गिफ्ट्स होते हैं, जो भी सोल लाइफ होती है आपकी, जितना जितना आप जितनी जितनी बार बर्थ लेंगे आप अपने ट्विन के साथ ही होंगे। ठीक है, ट्विन आपसे कनेक्ट करते हैं, चाहे आपका सरफेस रीयूनियन हो या फिर ना हो, सोल मर्जिंग तक तो आप जाते ही जाते हैं। अगर तो आप नहीं जा पाते हैं, अब जा कौन नहीं पाते हैं, जा वो एनर्जीज नहीं पाती हैं जो एनर्जी गलत गाइडेंस में, या ये कह लीजिए मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं वो कभी, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, और ये चीज़ मैंने भी महसूस की है, आप सब डिवाइन फेमिनाइंस मुझसे कनेक्ट भी कर पाओगे इस चीज़ में, कि जब अवेकनिंग होती है हमें पता चलता है हम ट्विन फ्लेम है, तो हमारे में ना
जानने की जिज्ञासा बहुत होती है, सब चीज़ को जानना चाहते हैं हम, हमारे मतलब हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं जो चीज़ हमें नहीं पता ट्विन फ्लेम्स के बारे में। तो 24 आवर्स मतलब 1 मंथ या फिर 15 डेज तो आपका यही चलता है, 1-1.5 महीने आप ऐसे ही निकाल देते हो यही 24 आवर्स यूट्यूब पे गूगल करके ऐसे वैसे कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, ये क्यों, एक नंबर दिखा तो आप एंजल नंबर्स क्या है, फिर आपकी आदत ऐसी हो जाती है कि आप एक एक एंजल नंबर का मतलब ढूंढने लग जाते हो। ठीक है, ये चीज़ें क्या करती हैं, अब मैं आपको अगर ये देखिए, मैं ये ना सिर्फ आपके बारे में नहीं बता रही हूँ, अपने बारे में भी बता रही हूँ कि इसके बाद अब जब यहाँ पे आई हूँ, इतना टाइम हो गया आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ जनवरी से, तो मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको कर क्या रही है, ये आपको होल्डिंग की एनर्जी में लेके जाती है। ठीक है, और जब जब आप उस चीज़ से निकल जाते हैं, क्योंकि आप भर चुके होते हैं उस चीज़ से कि क्या मैं 1-1.5 महीने तक कर रहा हूँ। ठीक है, मीन यूनिवर्स हमारे ऊपर वो जो यूनिवर्सल लाइट है वो उस चीज़ पे भी पड़ती है जो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी वो प्रकाश आ रहा होता है और तब हमें पता चलता है ओ नो हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम एक ही नंबर को, अगर कोई भी नंबर हमको दिख रहा है तो हम उसके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा ढूंढने लग जाते हैं, सर्च कर लग जाते हैं। 24 आवर्स हम एक ही चीज़ पे निकाल रहे हैं, एक ही टॉपिक पे निकाल रहे हैं, जबकि उस वक्त हमें करना बहुत कुछ है, हमें मेडिटेशन भी करना है, हमें अपनी ट्विन की एनर्जी को भी क्लीन करना है, हीलिंग करनी है, उसकी एनर्जी को बैलेंस करना है, कितना कुछ करना है, इश्यूज़ हील करना है, एक इशू पकड़ के बैठना है हमें अपना, उस पर काम करना है, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मीन वो समझ लीजिए आप, जितनी तपस्या पार्वती ने की शिव को पाने के लिए, जितनी तपस्या शक्ति ने की शिव को पाने के लिए, जितनी तपस्या महाकाली ने की शिव महाकाल मीन शिव को पाने के लिए, मतलब जितने जितने बर्थ में शक्ति आई है और उन शक्ति ने शिव को पाने की जैसे जैसे कोशिश की, जितने जितने तप किए, जितने जितने जतन किए, वो सब आपको करने पड़ेंगे। और आप क्या कर रहे हैं, नंबर्स और इसमें और उसमें कोई भी गाइडेंस आपको मिल रही है, मिसगाइड किया जा रहा है तो आप उस तरफ भी जा रहे हो, कोई नया मतलब देखिए पता है क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जो राइट गाइडेंस होगी ना, आपको फर्स्ट टाइम आप सुनोगे आपको उससे ही कनेक्ट कर लोगे आप अपने आप को। ठीक है, लेकिन जब आप मिसगाइड हो रहे हो तो समझिए मिसगाइड का मतलब क्या है, क्या आपने एक चीज़ देखी, वो जो गाइडेंस आपने सुनी वो आपको पॉजिटिविटी देके गई या नेगेटिविटी देके गई, आगे बढ़ने को लेके देके गई या वहीं रुकने को देके गई, वो एनर्जी आपको क्या एनर्जी आपको फील हुई है, हीलिंग हुई आपकी कि नहीं हुई उस एनर्जी को सुनने के बाद, गाइडेंस को सुनने के बाद आपको लगा कुछ लाइट फील हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ आपको यहाँ गाइडेंस और मिसगाइड हो रहे हो आप, इस चीज़ को आप क्लैरिफाई कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि जो शिव शक्ति की एनर्जी आपकी अवेकनिंग हुई, अब अवेकनिंग से पहले तक मतलब जब तक आप छोटे होते हो तब तक तो आपकी लाइफ बढ़िया चलती है, प्रिंस और प्रिंसेस जैसी लाइफ चल रही होती है, मीन छोटे होते हैं ना घर में भी फैमिली में भी तो बहुत लगाव होता है, सब बहुत ज़्यादा चाह रहे होते हैं हमें, हमें ही सब चीज़ मिल रही होती है, हमारे लिए ही सब कुछ किया जा रहा होता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब गॉड के पास होते हैं ना, जितने भी ट्विंस हैं हम यूनिवर्स के पास होते हैं, तो हमको लाइक अ प्रिंस एंड प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और फिर पता ही क्या होता है, जब हम यहाँ आते हैं तो हमको जब छोटे होते हैं तो हमें वो याद बनी रहे कि हम कभी प्रिंस की तरह और प्रिंसेस की तरह ट्रीट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर जैसे आप बड़े होते हो तो आपको पता चल, जब प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिलने लगता है आप लोगों को तो आपको लगता है आपकी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है स्मूथली, बट जबकि वो ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप छोटे होते हो। ठीक है, और आपको ये याद दिलाया जाता है कि यस यूनिवर्स के घर आप अपने रियल घर में ऐसे ही रहे हो, आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई, आपको सब सुख मिले हैं, सर्व सुख में रहे हो आप। लेकिन जब आप यहाँ सरफेस पे आते हो तो आपको स्टार्टिंग में तो वही ट्रीटमेंट मिलता है, बट उसके बाद जैसे जैसे आप मतलब होते हैं ना 7 साल के 8 साल के तो फिर आपको जो है ना जो अदर सोल्स सिचुएशंस 8-9 साल के मतलब 18-19 साल या 20-25 साल के बाद शादी के बाद या फिर
थोड़े बड़े होने के बाद देखते हैं, या सारी सिचुएशंस जो आप ट्विन फ्लेम्स देखते हो, वो सारी सिचुएशंस तो वो देखते भी नहीं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में नहीं आती हैं सारी सिचुएशंस। और आपकी लाइफ रोलर कोस्टर हो जाती है, झट से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं और जाती हैं, आती हैं जाती हैं, जबकि आप कोई भी सिचुएशन ना तो बुलाते हो ना अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। लोग आ रहे होते हैं, लोग जा रहे होते हैं, टिच भी करते हैं, गलत भी बिहेव करते हैं, मिसबिहेव होता है आपके साथ, मिसअंडरस्टूड किया जाता है, मतलब सही से आप कहना कुछ चाहते हो, आपकी बात का कुछ और अर्थ निकाल लिया जाता है, आपको फिर फील होता है कि यहाँ तो आपको कोई समझ ही नहीं रहा है, सुनना ही नहीं चाह रहा है आपको कोई, आप ऐसा लगता है बेगाने वाली फीलिंग आती है आपको सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, सब जगह आपको यही चीज़ मिल रही होती है। आप खुद को फील करने लगते हो कि मतलब खुद के लिए आपको बेचारा वाली फीलिंग आने लग जाती है कि क्या है, हम गलत हैं क्या, मीन दुनिया बहुत सही सही है, हम ही गलत हैं क्या, मीन सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारे आसपास जो गलत कर रहे हैं उनके साथ तो सब सही हो रहा है और हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, ये चीज़ हो रही होती है फ्रेंड्स। तो आपको लगता है कि अरे सब कुछ आपके साथ ही क्यों हो रहा है, आपने तो किसी का गलत नहीं किया। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन सब के भीतर एक चीज़ होती है, वो खुद को बच्चे वाली फीलिंग में रखते हैं, चाहे घर का बड़ा बच्चा हो वो, ठीक है, चाहे घर का छोटा बच्चा हो, ठीक है, लेकिन उनको पूरी ज़िंदगी ता उम्र यही लगता रहेगा कि वो छोटे हैं, वो कभी अपने आप को बड़ा महसूस ही नहीं कर पाते हैं अपने भीतर से, क्योंकि रियलिटी में वो सालों साल सदियां बीत गई उनको यूनिवर्स से कनेक्ट और यूनिवर्स के घर में रहते हुए, उनके अपने रियल घर में रहते हुए, ठीक है, सालों साल में कभी वो धरती पे आते हैं, सरफेस पे चीज़ों को, लोगों को, सोल्स को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस जो चल रही हैं उनको बैलेंस करने आते हैं, वो लोगों की एनर्जी को बैलेंस करने आते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने आते हैं, लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें, केयर, पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ देने आते हैं लोगों को, ठीक है, इसका सच्चा अर्थ समझाने आते हैं वो। तो उनको पता है क्या लगता है कि पूरी लाइफ उनको यही लगता रहता है कि हम छोटे हैं और हमें अच्छे से प्यार से ट्रीट किया जाना चाहिए, और वो प्यार मतलब जिस प्यार को वो चाह रहे होते हैं ना, जिस पॉजिटिविटी को वो ढूंढ रहे होते हैं, वो पॉजिटिविटी इस अर्थ के किसी भी इंसान पे उनको नहीं मिलती सिवाय उनके ट्विन के साथ। उस ट्विन के साथ चाहे वो कितना भी डिसबैलेंस हो, उसके साथ उनको लगता है कि यस होमली फीलिंग आती है, क्योंकि वो उसके घर का है, वो उसकी अपनी एनर्जी है, ठीक है, वो ही उसका होम है, वो उसकी घर है, वो उसके साथ ही रहा है अपने रियल घर में। सिचुएशन में फिर जो ट्विन फ्लेम्स हैं ना, उनको मतलब ये फीलिंग ना अपने ट्विन के साथ नहीं आती है केवल, बाकी सबके साथ आती है, इसीलिए जब वो अपने ट्विन से मिलते हैं तो उन्हें बड़ी होमली फीलिंग आती है, और जब ट्विन से मिलते हैं उससे पहले तक उनकी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह चलती है। और ऐसे में फिर आपको लगने लगता है कि कुछ तो है, कि दुनिया बहुत सही चल रही है सही वे में, हम ही गलत हैं या तो फिर, या हमें इतनी समझ ही नहीं है, हम इस दुनिया के लिए बने नहीं हैं। लेकिन जब आपको सोल शॉक्स लगना शुरू होते हैं, सोल शॉक्स कब लगते हैं, डार्क सोल टाइम से पहले, आपकी अवेकनिंग से पहले लगते हैं, आपके ट्विन के मिलने से पहले लगते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को डिस्टॉर्टेड ट्विन्स मिलते हैं, फिर उनको रियल ट्विन उनके मिलते हैं न्यू बिगनिंग के लिए, बहुत सारे लोगों की जो न्यू बिगनिंग है वो रियल ट्विन मिलने के बाद होती है, बहुत सारे लोगों की बिगनिंग हो चुकी होती है, बस वो अवेकनिंग के साथ अपने रियल ट्विन के साथ ही चल रहे होते हैं, ये चीज़ होती है। ऐसे में फिर आपको लगने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा घर की जो भी आवाज़ें आ रही हैं, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा, और रूम में फ़ैन चल रहा है तो उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है। तो मैं आप लोग इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखते देखते आप अपने ट्विन से मिलते हैं, आपकी लाइफ फिर एक तप और बहुत ज़्यादा बैलेंस करते करते एनर्जी को, उसके बाद आप अपने रीयूनियन को देख पा रहे होते हैं सोल मर्जिंग के बाद, कि रीयूनियन कितनी दूर है, सोल पर्पस भी कर रहे होते हैं, सोल मिशन भी कर रहे होते हैं, सब चीज़ कर रहे होते हैं, और सोल पर्पस सोल मिशन करते करते आप अपनी जो रीयूनियन है सरफेस वाला, उसकी तो उम्मीद ही छोड़ चुके होते हैं।
तब कहीं जाके जब आप उम्मीद छूट चुकी होती है आपकी, आपको लगता है कि आपका सरफेस रियूनियन नहीं लिखा हुआ है, तब कहीं आपको पता चलता है कि यस आपका सरफेस रियूनियन लिखा हुआ है। मीन कहते हैं ना, सरप्राइज़ देते हैं यूनिवर्स आपको, तो वो जो गिफ्ट्स हैं, वो जो मैं कहती हूँ ना, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे गिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं आपकी इस जर्नी में। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यारी जर्नी है, अगर प्यारा जीवन मुझे अगर कहा जाए, अगर मैं साधारण सोल होती तो शायद से ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझ पाती और आप लोगों को भी नहीं समझा पाती। बट जब मैं इस जर्नी में आई और मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर मैं जो अब भी सीख रही हूँ आप लोगों के साथ साथ चलते चलते, ठीक है, सोल मिशन, सोल पर्पस पे लगी हुई हूँ, अपने कामों को भी कर रही हूँ, सब चीज़ करते करते जो भी सीख रही हूँ मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। साथ ही आप अपनी जर्नी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जर्नी को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो जर्नी है शिव शक्ति की जर्नी है, प्रेम की जर्नी है, ठीक है, सच्चे जीवन साथी को पाने की जर्नी है, ठीक है, शिव शक्ति के एनर्जी की जर्नी है ये, शिव शक्ति के बच्चों की जर्नी है ये, मीन हम सब की जर्नी है ये, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है ये। मतलब आप लोगों को इतना कुछ देके जाने वाली है, बहुत कुछ, आप खुद के काफ़ी सारे इश्यूज़ को हील करेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस में आप हमेशा फंस के रह जाते होंगे, आपको लगता होगा कि वो सिचुएशंस कभी ख़त्म होंगी या नहीं होंगी। मीन सबकी लाइफ तो सही सही चल रही है, हमारी लाइफ से एक प्रॉब्लम आती है दूसरी, मतलब एक जाती नहीं दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती नहीं तीसरी आ जाती है, ठीक है, ये सब हमारे साथ हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। बट फ्रेंड्स एक चीज़ बताऊँ, ये हो भले ही रहा है और आप देखेंगे जैसे ही आपको इस जर्नी का पता चलता है ना, आपकी लाइफ में और स्पीड से ये चीज़ें होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सोल शॉक्स देखने को मिलते हैं आपको। वो इसलिए होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको लेसन्स दिए जा रहे होते हैं। फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, जब हम किसी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि उस टाइम पीरियड के भीतर वो चीज़ को ख़त्म होना है, वो जर्नी को ख़त्म होना है, और आपको उस बीच में बहुत सारे लेसन्स देने, लाइफ के कितने भी बड़े धक्के आ जाएं आपको, आप गिरी ना सकें, आपका बैलेंस ना बिगड़े, वो सब चीज़ आपको सिखानी है इस बीच में यूनिवर्स को। तो वो क्या करेंगे, वो स्पीड बढ़ जाती है, फिर जब तक आप बैलेंस होते हैं ना प्रॉपर, तब तक तो आपने इतने लेसन्स ले चुके होते हैं, आपको लगता है आपकी उम्र से ज़्यादा तो आपके जीवन के लेसन्स हैं, जो जिससे आप अगर सिखाना शुरू करें तो लोगों को जीवन जीना सिखा सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ना सिखा सकते हैं, किस तरीके से टूट के बिखर के चीज़ें जो आपको तोड़ के रख देती हैं, कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ के रख देती है, आप कैसे उससे बाहर आ सकते हैं चुटकियों में, और खुद के लिए जीना और दूसरों के लिए जीना सीख सकते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना सीख सकते हैं। स्पिरिचुअल गाइड कौन होते हैं, जो पॉजिटिविटी, लव, ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, ठीक है, प्यार बांटने आते हैं, खुशियाँ देने आते हैं। और आप सब आने वाले टाइम में जब भी सोल पर्पस, अपना सोल मिशन करेंगे, तो आप वही चीज़ कर रहे होंगे, ठीक है, इस अर्थ को बैलेंस करने का काम कर रहे होंगे, मेडिटेशन के थ्रू वाइब्रेशंस को बढ़ाने का काम कर रहे होंगे, इस अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने का काम कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, ठीक है। तो ये एनर्जी मैसेज था, आशा है आप सभी को हीलिंग फील हुई होगी इससे, ठीक है, खुश रहें, हैप्पी रहें, ध्यान रखें आप लोग अपना। मिलते हैं फ्रेंड्स, खूब पानी पीजिए, अच्छे से खाइए, आने वाले टाइम में आपको पता है होली आने वाली है तो उसकी विशेज़ मैं दूंगी, ठीक है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मिलते हैं फ्रेंड्स, टेक केयर।